मैं अमित अनिल चंद्र शाह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमस्कार साथियों, चुनाव के बाद, नई लोकसभा के गठन के बाद आज प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है। अनेक नए साथियों के परिचय का एक अवसर है और जब नए साथी जुड़ते हैं तो उसके साथ नया उमंग, नया उत्साह, नए सपने भी जुड़ते हैं। भारत के लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, ताकत क्या है, हर चुनाव में हम उसको अनुभव करते हैं। आजादी के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन का सबसे ज्यादा मतदान, सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधियों का चुनना, पहले की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में महिला मतदाताओं का मतदान करना, अनेक विशेषताओं से भरा हुआ ये चुनाव रहा। कई दशकों के बाद एक सरकार को दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ और पहले से अधिक सीटों के साथ जनता जनार्दन ने सेवा करने का अवसर दिया है। जब 5 वर्ष का हमारा अनुभव है कि जब सदन चला है, तंदुरुस्त वातावरण में चला है, तब देश हित के निर्णय भी बहुत अच्छे हुए। उन अनुभवों के आधार पर मैं आशा करता हूं कि सभी दल बहुत ही उत्तम प्रकार की चर्चा, जनहित के फैसले, जन आकांक्षाओं को पूर्ति की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उसका विश्वास। हमने हमारी यात्रा प्रारंभ की थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन देश की जनता ने सबका साथ सबका विकास के अंदर एक अद्भुत विश्वास भर दिया और उस विश्वास को लेकर के
सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प लेकर के हम जरूर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में विपक्ष का होना, विपक्ष का सक्रिय होना, विपक्ष सामर्थ्यवान होना, ये लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। और मैं आशा करता हूं कि प्रतिपक्ष के लोग नंबर की चिंता छोड़ दें, देश की जनता ने उनको जो नंबर दिया है दिया है, लेकिन हमारे लिए उनका हर शब्द मूल्यवान है, उनकी हर भावना मूल्यवान है। और सदन जब हम उस चेयर पर बैठते हैं, एमपी के रूप में बैठते हैं, तब पक्ष विपक्ष से ज्यादा निष्पक्ष का स्पिरिट बहुत महत्व रखता है। और मुझे विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष के दायरे में बंटने के बजाय निष्पक्ष भाव से जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए हम आने वाले 5 साल के लिए इस सदन की गरिमा को ऊपर उठाने में प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि पहले की तुलना में अधिक परिणामकारी हमारे सदन रहेंगे और जनहित के कामों में अधिक ऊर्जा, अधिक गति और अधिक सामूहिक चिंतन का भाव, उसको अवसर मिलेगा। मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि सदन में कई सदस्य बहुत ही उत्तम विचार रखते हैं, बहस को बहुत प्राणवान बनाते हैं, लेकिन चूंकि ज्यादातर वो रचनात्मक होते हैं और उसका और टीआरपी का मेल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी टीआरपी से ऊपर भी ऐसे सदस्यों को अवसर मिलेगा। अगर सरकार की आलोचना भी बहुत तर्कबद्ध से कोई सदन में सांसद करता है और वो दांत देश में पहुंचती है तो उससे लोकतंत्र को बल मिलता है। इस लोकतंत्र को बल देने में आप सबसे मेरी बहुत अपेक्षाएं हैं। शुरू में तो जरूर अपेक्षाओं का पूरा करेंगे, लेकिन 5 साल इस भावना को प्रबल बनाने में आप भी बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं। और अगर आपकी सकारात्मक भूमिका होगी, सकारात्मक विचारों को बल देंगे, तो सदन में भी सकारात्मकता की दिशा में जाने का सबका मन बनेगा। तो मैं आपको भी निमंत्रण करता हूं कि 70वीं लोकसभा में हम उसी नई ऊर्जा, नए विश्वास, नए संकल्प, नए सपनों के साथ साथ मिलकर के आगे चले, देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में हम कहीं कमी न रखें। इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।